हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कि प्रूव दैट 1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आई रूट 3 टू द पावर 8 इज इक्वल टू माइनस 256। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिमॉर्गस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास और भी अदर ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए कि आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, दो चार पेजेस सॉल्व करें तब आंसर आए, और डिमॉर्गस से जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। डिमॉर्गस में आपको हम बता दें थोड़ा सा, सबसे पहले डिमॉर्गस से हम लोग किसी क्वेश्चन को अगर कार्टिसन से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते थे, आपको याद होगा डिमॉर्गस फॉर्मेट में हमने क्या सीखा था कि अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट का होता है, तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर x प्लस आई वाई इस तरीके से है तो ये अभी एक कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x प्लस आई वाई कार्टिसन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एंड y एक्सिस वाले में है ना। अगर इसको पोलर में ले जाना होता था तो रियल पार्ट यहाँ पे जो है इसको हम लोग मानते थे x इक्वल टू आर कॉस थीटा हम लोग मानते थे, और इमेजिनरी वाले को मानते थे y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसका भी अपना ज्योमेट्रिकल अप्रोच था, मैंने समझाया है आप सभी को क्लासेस में, तो समझाया ही है। तो रियल को आर कॉस थीटा, इमेजिनरी को आर साइन थीटा हम मानते थे, और इसके बाद हम क्या बात करते थे कि भाई यहाँ सब्स्टिट्यूट करा हमने, और इसके बाद दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि आर और क्या, आर और थीटा क्या होता है जी। तो आर का वैल्यू कैसे निकालते थे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो आर का वैल्यू निकल के आता था सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर, और यहाँ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा, तो आर स्क्वायर कॉमन करके लेंगे तो सिर्फ आर स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आर स्क्वायर का वैल्यू जो आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से आर निकल जाएगा, और थीटा का वैल्यू आता है वाई अपॉन एक्स, मतलब इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मेरे समझाने का बात इतना है कि अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कार्टिसन फॉर्मेट में है और उसको पोलर में ले जाना है तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे भी तो वही कहानी है कि वन रियल पार्ट और आई रूट थ्री इमेजिनरी पार्ट है, तो वन क्या हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी, तो वन को मान सकते हैं आर कॉस थीटा, इसको मान सकते हैं आर साइन थीटा, उस तरीके से ये वन और यहाँ पे रूट थ्री सेम सब्स्टिट्यूशन पे काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करा है सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, वो आरएचएस हम प्रूफ कर देंगे। कैसे चले हम कि लेफ्ट हैंड एलएचएस सॉल्यूशन में एलएचएस इक्वल टू क्या है कि वन प्लस आई रूट थ्री प्लस पावर एट प्लस वन माइनस आई रूट थ्री टू द पावर एट। नीचे ये वन यहाँ रियल वाले को वन इक्वल टू आर कॉस थीटा, वन इक्वल टू सॉरी रूट थ्री इक्वल टू आर साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट कर, आर का वैल्यू क्या होता है तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यही ना होता है। तो आर स्क्वायर याद कीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, यही ना होगा। तो फाइनली क्या होगा जी, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा वन का स्क्वायर वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, मतलब रूट थ्री स्क्वायर कैसे तीन, आर स्क्वायर का वैल्यू चार, तो आर स्क्वायर का वैल्यू चार, तो आर का वैल्यू कितना स्क्वायर टू का दो, पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं कि भाई आर सर आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो सिर्फ आर टू क्यों लिया आपने, इसलिए लिया क्योंकि आर जो होता है डिस्टेंस बताता था, तो इसलिए आर हम लोग पॉजिटिव, तो आर का वैल्यू कितना आ गया टू आ गया, और फिर ये आप आर का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि अब भाई थीटा कैसे निकलता है, तो थीटा होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू आप निकाल सकते हैं ऐसा है ना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मतलब रूट थ्री बाई वन फाइनली है। तो भाई बताइए आप खुद ही कि टेन का रूट थ्री किस वैल्यू पर आता है, तो पाई बाई थ्री पर, तो फाइनली कह सकते हैं कि टेन इनवर्स रूट थ्री किस वैल्यू कितना हो गया पाई बाई थ्री, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, आर का वैल्यू टू आ गया थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री आ गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग आर के जो वन के जब जो सब्स्टिट्यूशन करा था सारे चीज पुट करते हैं, तो क्या आएगा नाउ एलएचएस बिकम्स क्या था वन मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई रूट थ्री था, तो रूट थ्री को आई आर साइन थीटा माना हमने, आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा टू द पावर एट, कोई दिक्कत। आइए आते हैं अब भाई ये क्या होगा, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, हम रूट के अंदर अभी ब्रैकेट के अंदर में ही है दोनों चीजें, दोनों चीजें ब्रैकेट में, पूरा ऊपर में पावर एट रहने दीजिए, तो हम आर कॉमन किया है हमने, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बचा है, आर बाहर है, यहाँ पे भी आर दोनों में था बाहर करा हमने, cos थीटा प्लस sin थीटा पूरा का पावर 8 है। अब ये पावर 8 r पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो r का पावर 8 इसका पावर 8, पावर 8 r पे भी आएगा पावर 8 इस पे भी आएगा, दोनों पे आ गया। नेक्स्ट आइए अब क्या करते हैं स्टूडेंट, r का पावर 8 रहने दीजिए, इस पे आपको पता है डिमॉर्गस थ्योरम से कि इस चीज का वैल्यू की cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर अगर n रहे तो ये वाला n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाके आंसर होता है, तो इसका आंसर किसी को cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा के बराबर होगा, तो r का पावर 8 cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा, यहाँ पे आर का पावर 8 ठीक है cos 8 थीटा माइनस आई sin 8 थीटा माइनस में भी काम करता है, ये हमने प्रीवियस में देखा है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, अब यहाँ भी आर का पावर 8 है यहाँ भी आर का पावर 8 है, तो दोनों में से आर का पावर 8 को हमने कर लिया बाहर, आर का पावर 8 बाहर कर लिया, तो ये प्लस में ये बचेगा, तो फाइनली cos 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा टू टाइम्स ऑफ cos 8 थीटा और ये प्लस और माइनस खत्म, तो कितना बचेगा
आर का पावर एट टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस खत्म, ये दोनों बचा। अच्छा तो आर का पावर एट इंटू टू, अब आपको पता है जी आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू टू था, हमने निकाला था, तो टू का पावर एट इंटू टू, और यहाँ कितना था कॉस एट, और थीटा का वैल्यू पाई बाई थ्री, कोई दिक्कत, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आइए स्टूडेंट, यदि आर का पावर सॉरी टू का पावर आठ रहने दिए, अब इंटू टू, आप बोल सकते हैं कि भाई टू का पावर नाइन क्यों नहीं करा आपने, टू का पावर नाइन इसलिए नहीं करा है क्योंकि टू का पावर जो एट होता है ना, ये होता है 256, और कुछ ऐसा ही मुझे आंसर लाना था, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं उसमें, तो रहने दिया हमने, फिर टू रहने दिया। अब इस चीज को थोड़ा सा हम ओपन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कॉस एट पाई बाई थ्री को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस टू पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, इसको कैसे तोड़ा जाता है, ये सारी चीजें हमने बताया है। आप जो इलेवंथ में ट्रिग्नोमेट्री का चीजों को सीखे थे ना, वो हमने कोर्सेज में बड़े अच्छे से बताया था, एक एक चीज को बेसिक से बताया था, हमने ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे थे, यहां तक से हमने शुरुआत करा था बेसिक बताते बताते, तब जाकर के हम ये सब चीज बताए हैं। ऐसा हम कभी किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं करते हैं कि आपने वहां पढ़ा होगा तो ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि एक वीडियो सॉल्यूशंस का सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना, यहाँ हम लोग रिविजन कर रहे हैं। तो एट पाई बाई थ्री को हमने तोड़ दिया, टू पाई प्लस टू पाई बाई थ्री, आप कीजिए ना एलसीएम लेकर, तो क्या होगा, छह पाई प्लस दो पाई आठ पाई बटा तीन आ जाएगा आंसर। अच्छा, आपको पता होगा कि कॉस टू पाई प्लस थीटा कॉस थीटा रहता है, तो फाइनली कॉस टू पाई बाई थ्री ही रह जाएगा, कॉस टू पाई प्लस थीटा कॉस थीटा रहता है, तो कॉस टू पाई बाई थ्री रह जाएगा, तो टू का पावर एट इंटू टू कॉस टू पाई बाई थ्री, और आपको पता होना चाहिए कॉस टू पाई बाई थ्री का वैल्यू माइनस वन बाई टू होता है, कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, जैसे कॉस सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है, कॉस नाइनटी का वैल्यू कितना होता है, सब चीजें ठीक उस तरीके से, कॉस टू पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना, तो माइनस वन बाई टू, यहाँ से टू और टू गया, बचे कितना, टू का पावर एट इंटू में माइनस वन, तो माइनस टू का पावर एट, मतलब माइनस टू का पावर एट, टू का पावर एट मतलब 256, यहाँ माइनस, सिंपल। तो सिर्फ यही नहीं, इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मेन आपको सीखने को मिला कि कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं तो हम एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर आर का वैल्यू निकालते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं, फिर वापस से सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक। अच्छा, हम आपको एक चीज बता दें कि आप अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बाकी इस क्वेश्चन का पीपीटी पीडीएफ वगैरह लेने के लिए हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी, वहां से आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन में, थैंक यू।